फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ का जो टॉपिक है इसमें है पदार्थ, पदार्थ का समूह, इसका पृथक्करण, इसकी संरचना और प्रकृति। इसमें हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, अवस्था परिवर्तन, तत्व, यौगिक और मिश्रण, विलयन, परमाणु और अणु। इसको हम क्लास 12th लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पदार्थ की या द्रव्य की, सब्सटेंस या मैटर, एक होता क्या है, तो ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स, वह दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके दो अवयव हैं, एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। द्रव्य क्या है, जो इसमें भार होता है और जिसकी एक आकृति होती है, यानी जो स्थान घेरता है। जबकि अगर वही बात हम करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है, जिसमें न तो भार होता है और न ही उसकी कोई आकृति होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है, जो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो जिन भी वस्तुओं को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या है, द्रव्य हैं, ठीक है। अब द्रव्य भार, इसमें भार होता है, तो भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, जिस बल से, जो बल लगा रही है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने में, उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। अब जितने जो भी वस्तु का भार होता है, तो वह जगह के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। किसी भी वस्तु में जो संपूर्ण द्रव्य होते हैं, कोई भी वस्तु जो बनी है उसमें द्रव्य होंगे, ठीक है। हमने कहा कि जो भी दुनिया में जो कुछ भी है वह क्या है, द्रव्य है या ऊर्जा है। तो भार किस में है, द्रव्य में है। तो जितने भी द्रव्यों से मिलकर कोई वस्तु बनी है, ठीक है, उन सभी द्रव्य का एक परिमाण होता है, इस परिमाण को कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है। वस्तु है जो, उसमें जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। आगे समझ में, किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान क्या होता है, उसमें स्थित, उसमें जितने भी द्रव्य हैं, उन सबका जो परिमाण होगा, जो मान होगा, वह क्या होगा, उनका द्रव्यमान कहलाता है वस्तु का। तो जो द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, लेकिन भार क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर बदल सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है भार और द्रव्यमान के बीच, W इक्वल टू एम जी, जहाँ पर W क्या है, भार है, M क्या है, द्रव्यमान है, और G क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण या गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। इसका मान 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब जिस गति से कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है, वही उसका गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। तो त्वरण है यानी कि बदलता रहेगा ना मान, पहले जितनी जल पृथ्वी की जितने नज़दीक वस्तु आएगी, पृथ्वी उसको उतनी जोर से खींचेगी, ठीक है, तो इसीलिए भार भी बदलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा क्या होती है, तो जो भी ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, तो फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सभी क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, इनकी कोई भी आकृति नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें द्रव्यमान और ऊर्जा की, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अच्छा, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, कोई द्रव्यमान जब नष्ट होगा तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे हम जानते हैं ना कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। और यह परिवर्तन कहाँ होता है, कहाँ होगा परिवर्तन, द्रव्य में होगा, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें दो ही तो चीज़ें हैं, एक है द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो ऊर्जा पाई किस में जाती है, द्रव्य के अंदर, ठीक है, या पदार्थ के अंदर या वस्तु के अंदर। तो इसमें जब उसमें कोई चेंजिंग होगी, जो ऊर्जा, जो उसके भार में कमी या कुछ भी होगा, तो वह किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर सी क्या है, सी प्रकाश का वेग है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, पदार्थ के समूह या पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखो, अगर भौतिक अवस्थाएं कहें पदार्थ की, जो हमें दिखाई दे सकती हैं, वे होती हैं तीन। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस वह होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव वह होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित है यानी कि द्रव जो है वह अपने तल को, जिस भी बर्तन में रखा हुआ है या जिस जगह पे रखा हुआ है, अपने
तल को इसके अणु छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। जिस तल में वस्तु द्रव रखा हुआ है उसके तल को वे नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में अंतराणुक बल काफ़ी कम है ठोस की तुलना में और अंतराणुक स्थान ज़्यादा है। तीसरी गैस, गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आयतन अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वह तल को छोड़ के किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, इसलिए आयतन अनिश्चित होता है। और आकार क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है और अंतराणुक स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जान लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग किस में पाई जाती है, लिक्विड और गैस में। चूंकि इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, आकार अनिश्चित होने की वजह से इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। किसका गुण, तरलता या बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, किसका गुण, बहने का गुण या फिर तरलता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या असर होता है हीट का, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को हम जितना ही ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि दाब, ठीक है, जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा आयतन क्या होगा, गैस का फैलेगा, उससे कम लिक्विड का और उससे कम सॉलिड का, ठीक है। तो आगे समझ में इतना, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही हम, मतलब कि ये समझ लो कि जो दाब है ना, कि दाब का प्रभाव क्या होता है, दाब के प्रभाव से आयतन कम होता है, मतलब हमने किसी चीज़ का दाब बढ़ा दिया, ठीक है, दाब बढ़ाया तो क्या होगा, आयतन कम होगा। तो दाब अगर हमने प्रेशर किसी चीज़ का इंक्रीज किया, अगर मान लो हमने गैस का प्रेशर इंक्रीज किया, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा दबेगा, सबसे ज़्यादा कौन दबेगा, गैस दबेगी। क्यों दबेगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जगह है, उसके अणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा जगह है, तो जितना ज़्यादा जगह है वह उतना पास आ सकती है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा कौन दबेगा, गैस, उससे कम कौन दबेगा, लिक्विड या द्रव, और सबसे कम कौन दबेगा, ठोस, क्योंकि इसके जो अणु हैं ऑलरेडी पास पास में हैं, ठीक है, इसलिए सबसे कम दबेंगे, और लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर पे हैं तो ये थोड़े ज़्यादा दबेंगे सॉलिड की तुलना में, लेकिन गैस की तुलना में बहुत कम दबेंगे, ठीक है। अब हीट की बात करें, जैसे ही अगर हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, गैस, अगर हमने हीट दिया तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, गैस, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम जो बढ़ेगा आयतन में वह सबसे कम आयतन किसका बढ़ेगा, सॉलिड का, सबसे ज़्यादा आयतन किसका बढ़ेगा, गैस का, ठीक है। तो दाब और ताप इनको बढ़ाने पर, ठीक है, दाब और ताप बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा आयतन गैस का बढ़ता है, उससे कम आयतन लिक्विड का बढ़ता है, और उससे भी कम आयतन सॉलिड का, या सबसे कम आयतन सॉलिड का बढ़ता है। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बताती चल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, जो द्रव्य का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है ना, यह हमारी हेल्प करती है द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने में यह हेल्प करती है गतिज आणविक सिद्धांत या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर थ्योरी की, यानी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कहाँ पर बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की। तो और यहाँ पे काइनेटिक यानी गतिज, अणुओं की जो गति है, अणुओं की गति के आधार पर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के गुणों को जानना ही द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत है। समझ में आ गया, द्रव्य के अणुओं की गति के आधार पर द्रव्य के भौतिक गुणों को जानना ही द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत का उपयोग है, ओके, या उसका महत्व है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं इसको। देखो, जो भी वस्तुएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, तो वह किससे बनी है, अणुओं से बनी है, ठीक, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जो अणु हैं एक दूसरे को खींच रहे होते हैं आपस में, तो इनके बीच का जो बल है,
ठीक है, इनके बीच का, वह कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या अंतरा अणुक बल। दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है, या फिर इसी को संसंजन बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं, या फिर इसी को पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा है, जो बल लगा, तो जो ऊर्जा लगी वह क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। इनकी स्थिति के आधार पर जो आकर्षण बल है उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये गति करते हैं, अगर हम तापमान बढ़ा दें तो अणुओं के, जो पदार्थ के अणु हैं, वे गति करने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी जो गति होती है, इस गति को जो ऊर्जा मिलेगी, गति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जो गतिज ऊर्जा होती है वह ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है और ताप घटाने पर घट जाती है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा क्या है? आकर्षण बल है अणुओं के बीच, और गतिज ऊर्जा क्या है? इन्हीं आकर्षण बल का कम हो जाना गतिज ऊर्जा है, यानी अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये पहला वाला, कि जो भी आकर्षण बल है क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर कोहेसिव फोर्स या फिर पोटेंशियल एनर्जी है, और यह उल्टी होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है किसके? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाती है। ओके, अब हम इसके आधार पर हमने क्या कहा था? हम जो पदार्थ हैं उनके भौतिक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे सॉलिड की या ठोस की, इसी के आधार पर, जो गतिज आणविक सिद्धांत है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके आधार पर हम सॉलिड की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो सॉलिड है उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा किस में होती है? सॉलिड में होती है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में है। तो क्या हुआ कि इसके जो अणु हैं काफ़ी पास पास हैं, ठीक है, इसके अणु काफ़ी पास पास हैं, यानी इनके बीच का जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है वह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा? ठोस का आकार निश्चित हो गया। ठीक है, गतिज ऊर्जा इनमें बहुत ही कम है, गतिज ऊर्जा बहुत कम है, तो इनके अणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, रुके रहते हैं, तो इसलिए इनका आयतन भी निश्चित होता है। आ गया समझ में? ये अपनी एक निश्चित अवधि में ही ऊपर नीचे दाएं बाएं कंपन करते हैं, तो इस वजह से इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब एक्सप्लेनेशन करें अगर हम लिक्विड का, तो लिक्विड में क्या होता है? इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, वह स्थितिज ऊर्जा ठोस की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो जगह होगी, अणुओं के बीच में जगह, वह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, वह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब इनके पास गैप ज़्यादा है, गति करने के लिए गैप और जगह ज़्यादा है, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, ठोस की तुलना में द्रव की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए इनका जो आकार है वह अनिश्चित होता है। इनके पास ज़्यादा स्पेस है ना गति करने के लिए, तो इनका आकार अनिश्चित होता है, किसी भी दिशा में यह गति कर सकते हैं। लेकिन इनके जो पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होती है? इनमें बहने का गुण होता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। एक बात याद रखना, द्रव की जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी स्थितिज ऊर्जा, वह इसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि यह अपने तल को नहीं छोड़ पाता। ठीक है, द्रव अपने तल को नहीं छोड़ पाता, और अपने तल को न छोड़ने की वजह से इसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। अगर ये अपने तल को छोड़ देता ना, तो ऊपर उड़ जाता, इधर उधर कहीं और चला जाता, तो फिर क्या होता कि
इसका जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित, जो कि गैस में होता है। जैसे कि देखो, अब एक्सप्लेनेशन अगर हम करें गैस का तो क्या होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, अर्थात अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है वह बहुत ही कम होता है। तो इसके अणु जो हैं वे काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा जो है वह कम होती, ज़्यादा होती है स्थितिज ऊर्जा के तुलना में। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें बहने का गुण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है कि यह आराम से अपने तल को छोड़ देते हैं, अपने स्थान को छोड़ के उड़ जाते हैं। तो इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो यह हो गया द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं डायरेक्टली, जो अभी हमने आपको बताया कि क्यों होता है, तो उसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर घनत्व की, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वह कैसा होता है। तो जो घनत्व होगा वह क्या होगा, सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और गैस का सबसे कम घनत्व होता है, ठीक है। और किस वजह से, इन्हीं अंतरा अणुक स्थान की वजह से। सॉलिड में सबसे कम स्थान है तो इसका क्या हो जाएगा कि घनत्व ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की, तो देखो जो गैस होती है उसको आप टेम्परेचर देखो तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में आकर्षण बल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर लिक्विड को दीजिए तो वह क्या होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अगर सॉलिड को कहें तो सॉलिड को और भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए लिक्विड में चेंज होने के लिए, मतलब उनके टेम्परेचर को, उनको चेंज होने के लिए, उनके गति ऊर्जा लाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। एज सच आप समझ लो कि कुछ ऐसे दोस्त जो सिर्फ आपसे पैसों के लिए जुड़े हैं, ठीक है, वो गैस हैं। जब आपने उनको पैसे नहीं दिए, ठीक है, या कहीं से उनको गैस, उनको पैसे मिल गए, पैसा एज ए काइनेटिक एनर्जी, उनको टेम्परेचर, पैसा एज ए टेम्परेचर उनको कहीं से अगर मिल गया तो वे उड़ जाएंगे, ठीक है। एक कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड होती हैं या बॉयफ्रेंड जो लिक्विड के जैसे होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा ज़्यादा कहीं से थोड़ा आकर्षण ज़्यादा मिल गया तो ये उड़ जाएंगे। और सॉलिड, ये आपका लाइफ टाइम पार्टनर या आपकी पढ़ाई हो गई, जो कि चाहे जितना भी बहुत ज़्यादा जगह आप इनको बिल्कुल छोड़ेंगे, कहीं और से बहुत ज़्यादा दूसरी जगह लगाव लगाएंगे तभी ये छूटता है। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन, ये क्या क्या होता है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ से रुको, कलर चेंज करते हैं हम। यहाँ ये मेल्टिंग है, यानी कि गलन, ठीक है, गलन। जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन कब, जब एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, जब ये बिना कांस्टेंट टेम्परेचर के चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। आ गया समझ में, जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो वह क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। लेकिन जब ऐसा हो कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, वह भी बिना एक बिना किसी ऐसे टेम्परेचर के, तो उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे, ठीक है, या वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन जब नियत टेम्परेचर पे पानी गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हिमीकरण क्या कहेंगे, द्रव का एक निश्चित टेम्परेचर पे ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। अब वेपोराइजेशन की जो दशाएं हैं, आवश्यक दशाएं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा चुका है कई बार कि वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो चार मुख्य दशाएं होती हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा एरिया, तीसरा एयर, चौथा है ह्यूमिडिटी। अब देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर जो वाटर है वो जितने
उसका क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया। जैसे कि अगर आपने गिलास में पानी लिया है, ठीक है, और दूसरा आपने थाली में पानी लिया, ठीक है, तो गिलास वाला पानी कम वेपोराइज होगा, जो थाली में है वो ज़्यादा हो, क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया, अब बढ़ चुका है, जो पानी का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ चुका है। तीसरा, एयर, अगर हवा की गति बढ़ जाए तो भी जो वाष्पीकरण है वह बढ़ जाता है। चौथा, ह्यूमिडिटी, अगर नमी कम हो, जो वातावरण में अगर नमी हो तो उस समय वाष्पीकरण घट जाता है, और अगर जो हवा है उसमें नमी न हो, हवा शुष्क हो जाए, वातावरण हमारा शुष्क हो जाए, तो उस समय क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अप्रैल के महीने में गर्मी बहुत होती है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस समय हमें पसीना नहीं होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी हमें पसीना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे ही हमारे शरीर पे अगर पानी आता है, मतलब पसीना होता है, वो तुरंत ही क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता, ओके। लेकिन वही अगर इस समय की बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने की, तो इस समय क्या होता है कि हमारे वातावरण में पानी है, ठीक है, तो हवा क्या है, नमी युक्त है, इस समय आर्द्रता है, तो इस आर्द्रता की वजह से हमें हमारे शरीर पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इस समय सूती कपड़े या कॉटन के कपड़े हम क्या ज़्यादा हमें यूज करने चाहिए, या हल्के रंगीन, मतलब हल्के कलर के कपड़े हमें ज़्यादा यूज करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि वाष्पन की जो दर होती है वह कैसे बढ़ जाती है, देखिए रात में क्या होता है, इन गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, छत पर पानी डाल देते हैं, दिन भर छत तपी होती है, रात में हम उस पर पानी डाल देते हैं। ये पानी हम क्यों डालते हैं, ताकि पूरे छत पे जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, और आसपास की जो हवा है, जो ठंडी हवा है, वो वहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो स्थान ठंडा हो जाता है। जैसे नेल पेंट जब कोई लगाता है, नेल पेंट, तो क्या होता है, उंगली नाखून जो होते हैं वो थोड़े ठंडे लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है, जो जब उड़ता है वह वेपोराइज होता है तो ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से जब नेल पेंट रिमूवर का यूज किया जाता है तो भी क्या होता है, नेल पे या उसके आसपास थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है ना, क्यों, क्योंकि जैसे ही वह उड़ता है, वेपोराइज होता है, यहाँ पर चारों तरफ की जो ठंडी हवा है वहाँ पर आ जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे हमने पानी रखा, अगर किसी घड़े में, मटके में हम पानी रखते हैं तो क्या होता है, वो पानी वाष्प होता है, वाष्पित होता जाता है, और हमें पानी ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब आपको पसीना होता है, जहाँ ज़्यादा पसीना हो, जिस अंग से आपके शरीर से, उसको टच करिए तो आपको पता चलेगा काफ़ी वो ठंडा है। ठीक है, क्यों ठंडा होता है, कि जैसे वहाँ से वाष्पन हुआ, पानी बाहर निकला और वहाँ पर क्या आ गया, ठंडी हवा आ गई, तो इसलिए ठंडक महसूस होती है। आ गया समझ में, इतना ये सब एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ ही दिखा दिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का क्या होता है, जब ठोस बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड चेंज इनटू गैस, तो ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये तीनों ही जो एग्जांपल हैं पूछे हुए हैं, नौसादर, आयोडीन और कपूर, ये तीनों ही एग्जांपल पूछे जा चुके हैं, एग्जांपल ये ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल हैं। उसके बाद अगला होता है संघनन, कंडेंसेशन। जब वाष्पन, जो वाष्प बना है, वह वाष्प जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जब हमें कोई शुद्ध पदार्थ पाना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आसवन विधि जानते हो ना, आसवन विधि, इसमें क्या करते हैं, हम पहले पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, क्वथनांक पर ले जाते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, और उसके बाद फिर हम उसे ठंडा करते हैं और फिर उसको ओरिजिनल रूप में हम ले लेते हैं, तो क्या होता है कि जो उसके नीचे की इम्प्योरिटी थी, जो गंदगी थी, वह नीचे बैठी रह जाती है तली में, और हमें शुद्ध पदार्थ मिल जाता है। तो संघनन का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, आसवन विधि में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब संघनन में क्या हो रहा है कि जैसे देखो, आप दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर, दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद वाष्प की बूंदें आ जाती हैं ना, बस यही क्रिया कहलाती है संघनन। ठीक, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। तो जो पदार्थ है ना, वे दो तरह के हो जाते हैं, एक तो शुद्ध, एक होते हैं अशुद्ध। मैं वो पढ़ाऊँगी जो इम्पोर्टेंट है,
ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन जो पूछा जाता है उसको समझिए। जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं, मिश्रण ही कहते हैं, क्योंकि वह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि वह कई चीज़ों का बिना अनुपात के मिला हुआ है, ठीक है। जैसे चीनी और पानी, ठीक, चीनी नमक पानी, इसमें हमने कोई अनुपात नहीं मिलाया, तो उसके जो अणुओं का अनुपात है, आणविक अनुपात, आणविक अनुपात नहीं है, मॉलिक्यूलर जो रेशियो है वह अलग है, उसका हमने कोई भी मतलब ये ध्यान नहीं रखा कि कितना है, तो इसलिए वो अशुद्ध है, ठीक, या मिश्रण कहलाएगा। जहाँ पर हमारे तत्व होते हैं, तत्व क्या होते हैं, जितने हमारे सिंगल मैटर हैं, जितने द्रव्य हैं जो सिंगल मैटर हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, जिनको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप, उनमें एक ही गुण पाया जाता है, ठीक है, और गुणों वाले पदार्थों में आप उनको विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप बना भी नहीं सकते हैं, वह शुद्ध रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर कहीं भी पाए जा रहे हैं, लेकिन आप उनका निर्माण नहीं कर सकते, वे क्या है, तत्व हैं, ठीक है, जैसे कि लोहा है, कॉपर है, ये सारे तत्व हो गए, ठीक है। जितने तत्व होते हैं उतने ही तरह के, जितने तरह के तत्व होंगे उतने ही तरह के क्या होते हैं, इनके परमाणु भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कई तरह के तत्व आपस में मिलते हैं, एक से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक की खास बात ये होती है कि इनमें मिलने वाले जो तत्व हैं उनके अणुओं की जो संख्या है वह निश्चित होती है। जबकि जब बात हम मिश्रण की करते हैं तो इनमें अणुओं का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मिश्रण बनाने में कुछ भी मिला लेते हैं। तो अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण वह होता है जो कि ऐसा होगा कि इसके जो अलग अलग जो द्रव्य हैं, ठीक है, वे द्रव्य एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, इनको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, इनका जो भी संगठन है, कंपोजिशन है, वह दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल एक में गुलाई जैसे, चीनी और पानी का मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी, जिसमें कि हमें दोनों अवयव जो हैं, दोनों जो घटक हैं मिश्रण के, वे हमें दिखाई दे सकते हैं या हम उनको अलग अलग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं जल और तेल का मिश्रण, ठीक है, एक ही विषमांगी मिश्रण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं, ये तो हमने जनरल बता दिया, जो क्वेश्चन बनते हैं वे यहाँ से बनते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन। अब विलयन जो होते हैं वे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला ठोस और ठोस का विलयन, ये जैसे कि पीतल, अब हम बात कर रहे हैं विलयन की, तो विलयन क्या होता है, यह समांगी होता है। विलयन कैसा होता है, समांगी होता है, ठीक है। विषमांगी में दो आ जाते हैं, एक तो जनरल विषमांगी जो हम देखते हैं, जैसे कि बालू और कंकड़ हो गया, ठीक है, चीनी और नमक आपने मिला दिया, या फिर कुछ भी जो आपको दिखाई दे। दूसरा होता है जिसका, ऐसे समझ लो जिनका आकार जो होता है 10^-4 से बड़ा होता है, सेंटीमीटर, 10^-4 cm से जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं विषमांगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो ठोस का ठोस से विलयन जो होता है वह होता है पीतल, ठीक है। अब पीतल बनता कैसे है, ये जस्ता और कॉपर से मिलकर बना होता है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। दूसरा होता है ठोस का द्रव में विलयन, मतलब कि द्रव ज़्यादा है और ठोस कम है, तो वो क्या हुआ, नमक का जल में विलयन। तीसरा होता है ठोस का गैस में विलयन, जैसे कि धुआं, या कार्बन का वायु में विलयन है। चौथा हो गया द्रव का ठोस में विलयन। अब होगा क्या, एक तो सॉलिड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ठीक है, तीन ऐसे ही हो गया, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस। तो लिक्विड सॉलिड का क्या हो गया, जेली। लिक्विड और लिक्विड को अगर हम कहें द्रव और द्रव का, तो यह है मदिरा, एथिल अल्कोहल का जल में विलयन। अगर हम बात करें द्रव का गैस में, तो यह है वायु में जलवाष्प, ठीक है। वायु में जो जलवाष्प है, इस समय जो आर्द्रता है वायु की, वह किसकी वजह से होती है, वायु में जलवाष्प की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद होता है गैस का ठोस में विलयन, तो हाइड्रोजन गैस का जो है पैलेडियम धातु का जो समांगी मिश्रण है, हाइड्रोजन गैस जो पैलेडियम धातु में होती है, पाई जाती है, यह क्या होती है, एक समांगी मिश्रण है किसका, गैस का ठोस में, मतलब पैलेडियम धातु ज़्यादा है, हाइड्रोजन गैस उसमें कम है। तो जब जो मात्रा ज़्यादा होती है
वह विलायक होती है, जो कम होती है वह विलेय होती है। अगला है गैस का द्रव में विलयन, यह होता है सोडा वाटर, ठीक है। अगला होता है गैस का गैस में विलयन, जो कि वायु। ये सारे पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है इसमें वह पूछा गया है द्रव का ठोस में विलयन, ठीक है, यह कई बार पूछा गया है, ठीक। द्रव का ठोस में विलयन और एक पूछा गया है ठोस का गैस में विलयन, इन दोनों को तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक। और एक तीसरा ये भी पूछा गया है गैस का द्रव में विलयन, इन तीनों को, हाँ मैंने ये तीनों को ट्रिक लगाया था, ये तीनों ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले बारे में, ये है कोलाइडी विलयन। अच्छा एक चीज़ जरा मुझे बताओ तो यहीं पर, अगर हम बात करें चीनी और नमक का मिश्रण कैसा है, समांगी है या क्या है? चीनी और नमक का मिश्रण समांगी विलयन है, नमक का जलीय मिश्रण क्या है, समांगी विलयन है, और बालू और रेत का जल में निलंबन क्या है, ये खुद से बताओ जल्दी से क्या है। चीनी को अगर हम नमक में मिला ले रहे हैं तो यह मिश्रण कैसा होगा, समांगी होगा कि विषमांगी होगा? दूसरा, नमक को अगर हम जल में मिलाएं तो क्या होगा, समांगी या विषमांगी? तीसरा, मिट्टी कैसा होता है, समांगी या विषमांगी? और चौथा, बालू रेत का जल में निलंबन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है या विषमांगी होता है? खुद से बता लो, आप समझ जाओगे और मुझे पता है कि आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला होता है कोलाइडी विलयन। देखो कोलाइडी विलयन में एक तरह का विषमांगी विलयन है, ठीक है, जो कोलाइडी विलयन है एक तरह का विषमांगी ही विलयन है, लेकिन इसके जो आकार होते हैं ना वह इससे थोड़े छोटे होते हैं, जो विषमांगी विलयन है उससे थोड़े छोटे होते हैं। जैसे कि विषमांगी विलयन का हमने क्या कहा कि 10^-4 से बड़ा कण होता है इसका, ठीक है, लेकिन जो कोलाइडी विलयन होता है इसका क्या होता है, 10^-4 से लेकर 10^-7 तक होता है, ठीक है। इसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। और जो समांगी विलयन होता है उसका क्या होता है, 10^-8 से लेकर उससे ज़्यादा होगा, उसे हम किसी भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसे हम कहीं नहीं देख सकते, इसे हम देख सकते हैं, और विषमांगी वाला ये वाला तो हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं, ओके, समझ में आ गया क्या अंतर होता है। इनके कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन जो होते हैं वे विषमांगी विलयन से भिन्न होते हैं, ओके। अभी ये हेट्रोजेनस मिक्सचर ही है, लेकिन इसके पार्टिकल का साइज क्या है, 10^4 से लेकर 10^-7 तक, ठीक है। इसमें आ जाते हैं जैसे गोंद आ गया, स्टार्च, जिलेटिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके बाद इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्सड फेज, ठीक है। मीडियम का मतलब इस है जो कि ज़्यादा है, ठीक है, जो ज़्यादा होगा वो मीडियम होगा, और जो इसमें घुलेगा वह क्या होगा, जो इसमें ये जो ज़्यादा होगा वह क्या हो गया, मीडियम हो गया, और जिसमें वो घुल रहा है वह क्या हो गया, फेज हो गया। तो यह मीडियम है और यह फेज है, समझ में आ गया ना कहाँ क्या हो रहा है। बस इससे जो पूछा जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो विलयन होते हैं जिनके बारे में मैंने कहा था, तीन तरह के होते हैं, समांगी विलयन, विषमांगी और कोलाइडी विलयन। विषमांगी जो 10^-4 से बड़े कण होंगे, कोलाइडी जो 10^-4 से -7 तक होंगे, और जो समांगी होगा वो क्या होगा, 10^-8 से मिल से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं ना, वे जो कोलाइडी विलयन है वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, चर्म पत्र बहुत ही पतला जो छेद है उससे यह बाहर नहीं जा पाते, उनसे हम इनको नहीं छान पाते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन को हम उनसे नहीं छान पाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कोलाइडल स्टेट। ये इतने काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो और जो पार हो जाते हैं, ठीक है, जो पार हो जाता है वो समांगी मिश्रण होता है, ओके। और लेकिन जो इसके बारे में इसको जो खोज हुई थी ना, एक मिनट में बता रहा हूँ, हाँ, इसकी जो खोज हुई थी वो किया था टी ग्राम ने इसकी खोज की थी 1861 में, ठीक है, कोलाइडी विलयन की खोज की थी। अब जैसे कि अगर हम नमक को पानी में मिलाएं, ठीक है, नमक और पानी का जो मिश्रण होता है वह क्या है, एक समांगी विलयन है, तो वह चर्म पत्र से आसानी से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी नमक को बेंजीन में मिला दें, ठीक है, इसी साल्ट को अगर हम क्या करें, बेंजीन में मिला दें, ठीक,
तो अब ये क्या होगा कि इसी चर्म पत्र से या पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है उससे पार नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर अब इसमें आप छाने तो ये बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि एक ऐसी अवस्था या डिपेंड कर रहा है किसके साथ जुड़ रहा है, जैसे जो परिक्षेपण माध्यम है, इस परिक्षेपण माध्यम में आने के बाद जो परिक्षेप्य अवस्था है डिस्पर्स फेज है साल्ट की, वह चेंज हो गई। अब ये क्या हो रहा है, एक ऐसे पदार्थ में चेंज हो गया है, ऐसे अवस्था में चेंज हो गया कि उससे बाहर नहीं जा रहा है। जबकि क्या हो रहा है, जब यह वाटर के साथ मिल रहा है, साल्ट जो है वह जब वाटर के साथ मिल रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसी मेम्ब्रेन से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, अब चेंज डिपेंड करता है कि किस माध्यम में मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सल्फर की, तो अगर सल्फर की हम बात करें तो सल्फर को अगर हम एल्कोहल के साथ मिला दें, ठीक है, तो अगर हम सल्फर को एल्कोहल के साथ मिला दें तो यह क्या करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सल्फर, सल्फर अगर एल्कोहल के साथ मिले तो जो मेम्ब्रेन है पर्चमेंट मेम्ब्रेन उससे बाहर चला जाता है। लेकिन यही सल्फर अगर वाटर के साथ मिल जाए ना तो फिर यह उससे बाहर नहीं जा पाता, समझ में आया। तो डिपेंड करता है कि माध्यम से कौन सा जो डिस्पर्स्ड फेज है कौन सा मिल रहा है, ओके, आ गया समझ में। अब इनमें क्या कहेंगे, तो इसीलिए हम इसको विलयन न कह के क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में यह चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब देख लो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वे क्या बनते हैं, यहाँ पर क्या है, यह है परिक्षेपण माध्यम, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, यह है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी फेज, ठीक है, जो मिलेगा, ठीक है, जो छोटा सा पार्ट है जो मिल रहा है, और ये परिक्षेपण माध्यम यानी जो बड़ा सा पार्ट है जिसमें वह मिल रहा है, ठीक है, यह मीडियम है या फेज है। तो देखिए अगर ठोस में आके ठोस मिल जाए, ठोस में ठोस मिल जाए, मैं ऐसे टिक कर दूंगी तो आप समझ जाएंगे कौन सा कम कौन सा ज़्यादा, ठोस ठोस में मिले तो क्या बनेगा, ठोस सॉल बनेगा, जैसे कि रूबी और मोती या रंगीन कांच। जब मैंने आपको कांच के बारे में पढ़ाया था तो मैंने इसमें आपको डिटेल में बताया है कि कांच का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट कांच है, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद अगर द्रव मिल जाए ठोस में, ठीक है, द्रव अगर ठोस में मिले तो क्या बनता है, जेली बनता है, जैसे कि पनीर, ठीक है, मक्खन या फल की जेली, ठीक। ऐसे ही अगर गैस, गैस किस में मिल जाए, ठोस में मिल जाए तो क्या बनेगा, सॉलिड फोम बनता है, जैसे कि प्यूमिक स्टोन या झावा पत्थर, पॉलीस्टराइन फोम या रबर फोम, ठीक। ऐसे ठोस अगर द्रव में मिले तो क्या बनता है, सॉल बनता है, ठोस द्रव में मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल बनेगा। जैसे कि इसके पीछे मैंने आपको बताया था अभी कि जल में अगर सल्फर मिलता है तो कोलाइडी विलयन बनाता है, नमक अगर मिल जाता है बेंजीन में तो भी कोलाइडी विलयन बन जाता है, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ठीक है, जैसे द्रव अगर द्रव में मिल जाए तो क्या बनेगा, पायस, जैसे कि तेल अगर पानी में मिल जाए, दूध, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पायस होते हैं। ये क्वेश्चन तो दूध वाला, ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, फिर ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं ठोस द्रव का, ठीक है। इसके बाद गैस और द्रव में मिले तो क्या बनेगा, झाग या फोम बनेगा, साबुन के झाग, फेनित क्रीम, ठीक है। इसके बाद ठोस अगर गैस में मिले तो क्या बनेगा, ठोस एरोसॉल बनेगा, जिसे हम धुआं, जैसे कि धुआं बने, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन के कण हैं और कार्बन के कण ठोस होते हैं और किस में मिल रहे हैं, वायु में मिल रहे हैं। इसके बाद द्रव अगर गैस में मिले तो क्या बनेगा, द्रव एरोसॉल बनता है, जैसे कि कोहरा, ठीक है, कोहरा किससे बनता है, धुंध और बादल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, कोहरा किससे बनता है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है फेज और माध्यम को याद रखना, कौन किस में जाके मिल रहा है और क्या बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टिंडल इफेक्ट। देखो जो कोलाइडी विलयन होता है, इस कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें चीनी पानी का घोल है, ठीक है, इसमें अगर प्रकाश डालो तो प्रकाश सीधा चला जाएगा, उसमें बिल्कुल भी डिस्पर्सन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा, सीधा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से भी हम उसको नहीं देख सकते उनके कणों को। लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन में जब हम प्रकाश डालते हैं ना तो ये क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है,
और इसमें ये कण रहते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे आपने देखा होगा कि अचानक अंधेरे कमरे में कहीं से थोड़ी सी सूरज की रोशनी एक छोटे से पतले से किसी जगह से अगर आ जाए तो क्या होती है, वो वैसे फैलती है ना। ठीक है, पतली सी रोशनी अगर आ रही तो फैल जाती है। अगर यहाँ पर एक कण नहीं होते हो तो फैलने की बजाय सीधी चलती, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। और ये प्रकाश फैलता किसकी वजह से है, इसमें जो कण हैं। आपको दिखता होगा जब कभी ऐसा बचपन में आपने बहुत ध्यान दिया होगा इस पर, अब तो नहीं देते होगे, कि अगर कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही है तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं चमकते हुए घूमते हुए, देखा है ना ऐसे घूमते हुए धूल के कण दिखाई देते हैं उसमें छोटे छोटे कण, बड़ा अच्छा लगता था बचपन में वो सब देखना। ठीक, तो यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया क्या है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम बात करें, अच्छा अभी तक हमने आपसे बताओ ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड भी एक कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में WBCs हैं, RBCs हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे इसमें घुले हुए हैं प्लाज्मा में, तो इसलिए प्लेटलेट्स हैं, तो ये क्या हो गया, एक कोलाइडी विलयन हो गया। ओके, अच्छा, और जो ब्लड होता है ना वो कैसा विलयन होता है, निगेटिव कोलाइडी विलयन होता है। कैसा होता है, निगेटिव कोलाइडी विलयन होता है। इसीलिए जब कभी ब्लड निकलने लगता है तो क्या करते हैं, तुरंत फिटकरी लगाते हैं। ठीक है, जब भी कहीं से हल्का सा ब्लड आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं। तो ब्लड क्या है, निगेटिव है, और फिटकरी क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों मिलके बना लेते हैं क्लॉटिंग। ठीक है, और ब्लड का रुकना, ब्लड का बहना बंद हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था, इससे इतने ही क्वेश्चन भी आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन और, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखो, जो आकाश में जो रंग है ना, जो धूल और अन्य पदार्थ हैं, ठीक है, एक कण जो है, यह सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, बच गया कौन सा, नीला रंग, नीले रंग को ये प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, नीले रंग का ये अवशोषण नहीं करते, उसको प्रकीर्णन उसका करते हैं। ठीक है, तो जब उसको फैला देते हैं तो वह फैलता हुआ पूरा आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा, इतना आने था, मैंने बता दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अभी शाम को हम इसका प्रैक्टिस सेटअप को ला के दे देंगे। ओके।